अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्यों भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है चीज़ ऑमलेट। और क्योंकि ऑमलेट तो सब लोग बनाते हैं, सबको पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि हमें मतलब चीज़ ऑमलेट की रेसिपी सिखा दें आप, क्योंकि हम लोग बनाते हैं वो हमसे सही बनता है नहीं, कुछ ब्लंडर हो जाता है या कुछ भी है, उनसे सही बनाना नहीं आता। तो हमने सोचा कि आज आपके साथ क्योंकि ऑमलेट की रेसिपी को हम शेयर करते हैं लेकिन चीज़ के एलिमेंट के साथ। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चीज़ ऑमलेट की रेसिपी। तो मम्मा से पूछते हैं कि मम्मा, ये मज़ेदार सा चीज़ ऑमलेट कैसे बनेगा। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना मैंने अंडे ले लिए दो, तो ना नमक थोड़ा सा यानी कि कम डाला है, तीसरा हिस्सा ठीक है चम्मच का, तीसरा हिस्सा ही मतलब डाला मिर्च का और साथ जीरा, तीन चौथाई हिस्सा हम लोगों ने डाला है इसके अंदर नमक का और मिर्च और जीरा। और यहाँ पे हम लोगों ने चीज रखा हुआ है ठीक है, और इसको हम लोग बनाएंगे। तो ऑमलेट हम लोग बनाते हैं लेकिन अब आप लोग ये भी रेसिपी को बना सकते हैं, तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया इसको। अब मैं इसे फेंटती हूँ ना अच्छी तरह, ये मसाले मिक्स हो जाए। ओके, तो हम इसको आप अपनी मर्जी से भी मसाले डाल सकते हैं कम ज्यादा, मतलब स्पाइसेस की आप बात करेंगे अगर किसी ने, मतलब इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा प्याज, टमाटर ठीक है, मतलब वही जो हम यूजुअली मतलब एक ऑमलेट को टेक्सचर देते हैं। इसके अंदर हमने स्पाइस के तौर पे हमने नमक मिर्च जीरा ऐड किया है। हाँ, तो मम्मा इसके अंदर क्या हम लोग ब्लैक पेपर भी शामिल कर सकते हैं? हाँ जी, अगर वो उसका आप बनाना चाहे तो वो भी आप बना सकते हैं, लाल मिर्च ना डालें फिर। हाँ, ब्लैक पेपर। हाँ। अच्छा, मतलब आपको क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब लाल मिर्च का बनाएं या काली मिर्च का बनाएं या दोनों को ही थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर लें? अगर दोनों को करना दोनों को कर लें, ये भी ज्यादा अच्छा बनता है ना, मोटी मिर्च भी डाल देते, दादरी मिर्च भी, कितना इसका अच्छा जबरदस्त ये सुर्ख कलर भी अच्छा लगेगा, ये ग्रीन भी, ये सफेद प्याज, ये बहुत अच्छा लगेगा ना आमलेट अंडे में। चले आए आप बनाते हैं ठीक। अच्छा, तो आप मतलब इसको पहले बनाएंगे और ये चीज को किस तरह वो मतलब बाद में इसके ऊपर डाल देंगे ना, हम दिखाते हैं व्यूअर्स। आप लोग हमारी रेसिपी को पूरा देखें, आप लोगों ने यही जाना वीडियो को पूरा देखा, देखना मजेदार से जो चीज ऑमलेट बन रहा है वो कैसे किया। मैंने सारा डाल दिया और आज हम थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार था ये जो हमारा ऑमलेट तैयार हो रहा है, इसका लुक देखे कितना यमीस्ट लग रहा है कि देख के मुँह में पानी आ रहा है। अब आप लोगों ने यही वाला ऑमलेट बनाना है क्योंकि ऑमलेट की रेसिपी हमने शेयर कर दी है। चीज़ ऑमलेट आप लोगों को अच्छी तरह से अब आपको बनाने का मतलब ईजी हो जाएगा, मतलब आप बना सकते हैं बहुत ईजी से रेसिपी को, इसमें रॉकेट साइंस नहीं कि आपको बनाना है क्योंकि ऑमलेट तो सब लोग बनाते हैं लेकिन चीज़ का जो एलिमेंट दिया जाएगा इससे इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा आपका जो सा है यूजली रूटीन से यूजल से हट के थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा फ्लेवर भी। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाएं। तो अभी मामा हम मतलब इसका थोड़ा सा वेट करेंगे पकने का, उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे मतलब चीज को इसके ऊपर डालेंगे। हाँ बेटा, ये ना अभी कच्चा ही हिलाना नहीं इसे। ओके, सेक लग जाए। तो वही ना, वो मतलब यही कहा था कि हमें मतलब बनाना नहीं आता, उसकी क्या एक ट्रिक क्या है, किस तरह बनाना चाहिए, चीज़ को कब ऐड करना है, ऑमलेट को किस तरह बनाना है, हाफ कुक करना है, फुल करना है या किस तरह, तो इसीलिए हम आप स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं। तो आप लोगों ने व्यूवर्स को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। लेकिन इसके अलावा अगर कोई आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हम लोगों ने अपना जो सा व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप लोग हमें अपनी सजेशन दे सकते हैं और कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हाफ कुक होने के बाद हम इसके अंदर जो सा है वो चीज़ शामिल कर रहे हैं। तो इसकी अब हम साइड को चेंज कर रहे हैं, चीज़ हमने शामिल कर दी है इसके ऊपर, अब हम लोगों ने चीज़ डाल दिया है तो अब इसके साइड को हम लोग चेंज करके इसके ऊपर जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आ रही है, तो लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है इसका। तो अभी बिल्कुल हमारा जो सा है ऑमलेट वो फाइनल हो गया है, तो चीज़ जो सा वो भी मेल्ट हो गया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो इसको अब हम लोग डिश आउट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने यहाँ पे जो सी हमारी आज की रेसिपी थी चीज़ ऑमलेट की वो हमें तैयार कर ली है ना। मैं अपने बच्चों को ना ऐसे लगा के ना जाम
मेरे बच्चे सिर्फ मैंगो का जाम खाते हैं और कोई जाम नहीं खाते। कैमरे में आगे करें। हाँ जी, मैंगो का जाम हम लोग मंगाते ही मैंगो का जाम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने मतलब जैम लिया हुआ है, मैंगो जैम है और यहाँ पर बलाई है और ये हमने टोस्ट जोन से है रखे हुए हैं टोस्ट करने के बाद और यहाँ पर रस है, तो बहुत ही मज़ेदार था जो सा हमारा वीकेंड का आज ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। ये बच्चे स्कूल भी मेरे जाते थे ना, तो मैं लंच बॉक्स में ना ऐसे बच्चों को बना के ना मक्खन होता था, मक्खन होता था मक्खन लगा देती थी, नहीं तो ना ये देखें ये बच्चों के लिए मलाई लगा के ना ये टोस्ट पे ऐसे ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये भी हम लोग ना मलाई लगा के मक्खन लगा के रसों पे खाते हैं, ये देखें बहुत मजे के लगते हैं चाय में डुबो के ना, जो हमारा देसी तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इनको पापे भी तो कहते हैं। हाँ, पापे भी कह देते हैं पंजाबी में ना, पापे भी कई रस हम लोग यहाँ पे पापे भी कह देते हैं, रस भी कह देते हैं, लेकिन हम लोग तो रस ही कहते हैं। हाँ जी, ये देखिए ना इसके ऊपर अगर मक्खन होता, मक्खन खत्म हुआ हुआ तो मलाई मैंने लगा के ना आपको बताया, मलाई से भी बहुत मजेदार बनती है चाय में, ऐसे ये मैंने ना ये देखे मैंने दोनों लगा दिया आपको सामने, तो ऐसे खाएं बहुत मजा आता है ना, चाय में डुबो के ना देसी तरीके से खाएं ना बहुत मजा आता है, सुबह को नाश्ता ना भी दिल करे ना ये खा लेना हल्का फुल्का सा नाश्ता, तो टाइम गुजर जाता है, दवाई वगैरह भी लेनी हो साथ उसके, तो ये मतलब हल्का फुल्का सा नाश्ता। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि अंडा भी रोजाना नहीं ना खा सकता ब्लड प्रेशर की वजह से। ये देखिए जी जरा चीज ऑमलेट जो हमने मेन आज आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, यहाँ पे चीज ऑमलेट की, तो ये देखिए टमाटर हरी मिर्च चीज है बहुत, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है, ये देखिए चीज जो है वो मेल्ट हो गया है और जिसका फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा हो गया चीज की वजह से, तो अगर स्पाइस आप लोग मतलब ज्यादा रहते क्योंकि चीज डालिए थोड़ा सा टेस्ट है वो। हाँ जी जी, तो मामा आपके सामने टेस्ट कर रहे हैं, बहुत मजे का, बहुत मजे का। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारी आज की रेसिपी है जो हमने आपके साथ चीज ऑमलेट की शेयर की है, इसके अलावा जो हमारा चाय पापा जरूर खाएं, लेकिन मतलब रस वाला पापा खाएं, चाय में डुबो के कहीं अपने पापा का खाना शुरू कर देना आप लोग, तो चाय में आपने रस को मतलब पापे को डुबो के खाना, पापा का नहीं, पापा का नहीं। तो अब व्यूअर्स से इजाजत ले लें हम लोग। हाँ जी, ये आज हमारा नाश्ता संडे का, ठीक है, तो ये अब व्यूअर्स हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी जो सी हमने वीडियो बनाई है आपके साथ अपना वीकेंड का हमने ब्रेकफास्ट भी शेयर किया पसंद है कि पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और इसके साथ साथ अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी ना सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली टॉर्च पे ऐसे लगा के जरूर खाएं, बहुत मजा आएगा, नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, टोस्ट पे भी लगा के आपने मतलब ब्रेड पे भी लगा के खाना है और ये पापा अगर मलाई नहीं तो वो मतलब मक्खन लगा के खाएं, फिर देखें ठीक है, मक्खन लगाएं, ये ब्रेड पे लगाएं, रस पे लगाएं, लोगों पे ना लगाएं, मक्खन हाँ। लगाएं खाने की चीज़ों पे लगाएं, लोगों पे ना लगाएं, ठीक है। तो व्यूअर्स अब आप लोग जा सकते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।